जने हैं प्रतिपक्ष नेता की दौड़ में? कितने जने हैं प्रतिपक्ष नेता की दौड़ में? कितने जने हैं यार जिनके चुनाव में ना? मतलब सौव्रत पार्षद तो कहीं लाइन में है ही नहीं, नियम नहीं आता। 2009 ना चुनाव लड़ा चीन ही है कुछ नया बड़े आयोग और निगम ने मिलाना कुछ नहीं किया जैसे नियम बदलने और छोटा फायदा नहीं है मुख्यमंत्री इतना एनएसडी इसके लिए नहीं है उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए बिना उसके रूल बदले इसमें क्यों करेगा? इसमें बदलेगा तो कई लोग दूसरे आ जाएंगे गिरिराज जी जैसे आप इसमें रूल बदलो इसमें भी हमारा रोल ऑफ पड़ गया। जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं 20 उनमें से कितने लोग आप मान रहे हो स्टैंड कर सकते हैं? वो 4 दिनों को एडजस्ट करेंगे वो 3 से 4 दिन। एक नेता प्रतिपक्ष, एक उपनेता और एक पहले भी 3 बनाए थे वही करेंगे। आप किनको मान रहे हो दौड़ में? क्या आप किनको मान रहे हो दौड़ में? कांशी और जिन्होंने चुनाव लड़े उनके लोग हितांशी है गौड़ और आप भाई मेरा था। मैंने तो ये बोला कि अगर मैं गलती से नंबर लिया था तो आप कहते फोन फाट फाड़ के गला। मैंने प्रत्येक जी बोला कि हमने उदयपुर का किला भी जीत लिया, हमने वहाँ पर अरुणा को अपना बना लिया, तो मेरी प्रतिष्ठा को तो आपने दाव हारे हुए कदम पे दिया। मेरे को टिकट दिया, बिना टिकट के लड़ता नहीं है। महापौर का टिकट आता है किससे आता है? सेनेटर से, सचिन पायलट से। उपमहापौर के चुनाव नहीं होते, सिर्फ महापौर के चुनाव होते हैं। उपमहापौर के इनके भी चुनाव होते हैं, सिर्फ महापौर के चुनाव। ठीक है, जब आपने जब मेरे को सभी के वोट मिले वहाँ पर सभी ने एक मुद्दा वाले माना, यहाँ पर इतना विवाद क्यों कर लिया? जब या तो मेरे प्रतिष्ठा को लगाते ही नहीं बताऊँ। मैंने सीनियर मोस्ट माना, आपने सीनियर मोस्ट माना, चुनाव लड़ाया क्योंकि मैं संगठन माफी देता, मैंने संगठन चलाया, किसी चीज़ से लगता हूँ ये तो बहुत छोटी चीज़ है। जब मैं टिकट देने के पैनल में था तो मैंने टिकट भी दिलाया, मेरे से आपने जिसको हराने गए उन्होंने सब काम, कौन से काम नहीं किए? आपको नहीं बनाते हैं ठीक है, तो आप किसके साथ रहना पसंद करोगे? तो यार राज्य सरकार, राज्य सरकार के नहीं, नेता प्रतिपक्ष में वोट तो दोगे ना? नहीं वोट नहीं मिलेगा, हो गया हमारे पास आ गई इनको तो दे दिया सर, हो गया तो पूछता हूँ सर को दे दिया। अभी पालिका के लिए इसको पूछा थोड़ी क्या, 30 जनों को बनाया तो पूछा थोड़ी क्या इसी से वहाँ से पूछना? तो जब ऐसी घोषणा करनी तो पहले क्यों नहीं करी? अरे तो आप बता दिया 3 में से आप किसको चाह रहे हैं? उन्होंने उनके एविडेंस ले लिए सबके, जो भी नेता है यहाँ से कौन होना चाहिए उन्होंने उनकी पूरी JD रिपोर्ट ले ली, इसलिए घोषणा करते पता। उस समय चुनाव तो सब जगह कराए थे, सबको मैं संभाल रहा था, 3 नाम आए गए, 2 आए गए, ये बना दिए। मतलब कुल मिला के हो गया है, बस नाम आना बाकी है, घोषणा बाकी है, वो तो उस समय पे आ जाती है। लेकिन 4 जगहों का आए नहीं, नाम आए नहीं थे सेम उसे, इसलिए तो सारी जगह ऐसे ही किया या लोगों की प्राथमिकता को या जनपद जो जीते हुए थे उनको भी ध्यान में रखा? मतलब जो आए ना नाम नेता प्रति अन्य जिलों में, देखो एक बात हूँ, चुनाव में टिकट मिलता है ये तो बहुत छोटी चीज है, MLA की इसमें आपको पता होता है कि इसका नाम लास्ट में फाइनल होता है। कैंडिडेट कितने होते हैं? सुरेश शिवाली जी भी होते हैं, दिनेश जी भी होते हैं, गिरिजा जी भी होते हैं, होप जी भी होते हैं, प्रभात होते हैं, डिगड़े भी होते हैं, आता कहाँ से है? कहाँ से हमें नहीं चाहिए ना वास्तव में। आप बात आपके पिताजी ने कह दिया बेटा आपने जमीन, अभी आपने जमीन नहीं लिया मामलों पर पिताजी ने कह दिया मानना चाहिए, मानना चाहिए। यहाँ मोदी जी ने कह दिया कि भाई जिसके भी भाई बंधु को नहीं मिला तो इसको लेना मोदी ने टिकट काट दिया, बोला यहाँ भी एक बाप है ना, यही होना चाहिए। ये आपने कहने से ये जो गलत सिस्टम पैदा हुआ ना तो इसलिए नेताओं ने अपने बेटे बेटे बहू भाव को सब ला दिया। नहीं इसका मतलब तो नाम आपको पता है, घोषणा बाकी है तो जनता के बीच में आनी बाकी है तो आप उससे खुश है? खुश आप ही हो गया मेरे को बताओ ना यार, आप ही हो गया? अगर आप हो तो मैं कम से कम मन ये एक डब्बा और खाऊं दोनों मिलके। बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है, काही लो अब तो मतलब फाइनल है। बहुत बहुत बधाई साहब आपको, फाइनल है, फाइनल है। अब क्या प्रेशर लगा, 1.5 साल से जिसने प्रेशर लगाना था लगा दिए, प्रेशर कुकर बन गया वो। आप एक बात सोचो, कॉमन से आप पत्रकार हो, मैं बहुत बड़े नेता का बेटा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें पहले दिन ही बना लाता
ये बात भी सही है। मैं बहुत बड़े नेता का प्रथम फॉलोअर हूँ, पहले दिन ही बन जाता। ये बात तो मेरे कारण हुआ है। उनके गौर साहब के तो उन्होंने क्या था, इनका गिद्दे जी ने क्या था, मैं तो न्यूट्रल था, फिर क्यों रुक गया रिजल्ट? अगर मैंने नहीं भरा होता तो ये रिजल्ट रुकता क्या? नहीं रुकता। आज UIT नगर विकास प्रन्यास हो जो सुधारीकरण है, आज वो दलाल विकास प्रन्यास हो गया। झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। झील में आपने कितने नेता आज तक इन 50 सालों में, सुखड़े के अलावा कौन से नेता है जिसने झील के लिए कुछ भी लगाई हो? नहीं किया, नहीं किया। झीलों के लिए किया तो महाराजा राणाओं ने किया, महाराजाओं ने किया। आज उनकी सोच थी, सुखड़े जी ने उस समय मानसी बकल और देवास की सोच रखी जिले भरेगी, लेकिन इन झीलों को आज तक इन्होंने खुदाई करके घेरा भी नहीं किया। फतेह सागर चले जाओ, पिछोला चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, झीलों में डाल रहे हैं सीवरेज, उसके अंदर से निकाल दिया। कौन है ये? ये हमारे लोग हैं जो यहाँ पर बाबू थे और आज बड़े बड़े अधिकारी बन गए, उदयपुर जाना भी चाहते हैं, और इनके पास विजन नहीं है। सड़क बनती है, पेपर में होनी चाहिए, दुनिया जानती है, साला पानी में उतर जाएगा, यूँ मना जा रहे हैं। नालियाँ होती नहीं है, फिर उस एक सड़क बनती है, फिर उसकी खुदे करने जो वाला आ जाता है, फिर उसकी खुदे नाली करने वाला आ जाता है, फिर उसकी खुदे कोई केबल वाला आ जाता है, फिर उसकी खुदे वो खंभे वाला आ जाता है बिजली वाला, फिर उसकी खुदे PHD वाला आ जाता है। फिर कहता हमने तो रोड कटिंग का दिया। अरे रोड कटिंग का मेरे बाप, तुम जब बना रहे हो तो इसमें सबका अंदर दे दो ना, अंडरग्राउंड नोता में हो जावे, नोता दो एक बार, सही बात है। ऐसा जनता का पैसा है जो लग रहा है, तो जनता के पैसे को आपने 5 बार यूज करोगे, बापरी जनता भी टैक्स डाल लगा लगा के थक गए। आप एक और का तो बिजली बचाए, आज उदयपुर की एक भी ऐसा खंभा बताओ जो 3 बजे नहीं जलती हो बिजली, चलती कोई कोई तो दिन रात चल रही है। इनको लगते ही नहीं देश का कुछ, फिर राष्ट्रीय तक की बातें करते हैं। 5 बोर्ड बना लिए, 2 साल इसमें हो गया, नवाचार क्या है? कुछ भी नहीं। जो सुखाड़े सेकल था इतना खूबसूरत था, आज इतना गंदा हो गया, वहाँ एक सेल्फी ले सकते हो, फतेह सागर में एक सेल्फी ले सकते हो, कुछ भी नहीं है, घास लगा दिए, गार्डन बन गया। खाली यहाँ की बातें करानी आ चाहिए, फॉरन बनना चाहिए, मैनेज बनना चाहिए, कहाँ से बनेगा भाई? तुम्हारे कपड़े तो साफ कर लो, फिर मैनेज बनना तुम।